देखने में क्या है, कुछ स्टॉक पड़े सर। एसबीआई लाइफ का चार्ट खोल लेते हैं, SBILIFE, SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ अभी कम से कम तो सर कुछ नहीं तो 1264 तो जाना ही चाहिए, है ना? 1264 तो SBI लाइफ जाना ही चाहिए। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे SBI लाइफ बहुत तगड़े तरीके से ऊपर है, है ना? और अगर हम इसके स्टोन एज वाले ऑप्शन में जाएं तो SBI लाइफ अभी आपका चल रहा है 1100, इसमें 150 जोड़ दिए, 11200, 11300, 1200 का 1130 आराम से देख रहे हो आप, ये ऑप्शन देख रहे हो। अभी इसमें वो भी कम रेट से ओपन होंगे सर। अभी इसमें SBI लाइफ में रुकिए प्लीज, आप लोग ये सब अपने दिमाग में और डायरी में दोनों में रखिएगा, ये आपको कम से कम 5000-6000 रुपए में 50,000-1,00,000 रुपए देने की आपको औकात रखते हैं ये सब। सो प्लीज दिमाग में रखिएगा सर, बैंक निफ्टी निफ्टी के 30-40 पॉइंट में मत पड़िए। अगर आप एक बास्केट स्टोन की बास्केट अगर आप एक बना देते हो और थोड़ा सा सबर कर लेते हो सर, तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने 5 शेयर के बनाए हैं तो आई डोंट थिंक कि अगर 2 भी चल गए ना सर तो आपको कम से कम 1,00,000 रुपए देके जाएंगे। गलत बोल रहा हूं बताइए? अगर 2 भी चल गए सर और अगर आपकी असेसमेंट सही है, मेरे साथ आपकी असेसमेंट अलाइन कर रही है, तो कम से कम 1,00,000 रुपए तो बन के जाएंगे ही सर। अगर मेरी इस बात में अगर किसी को कोई शंका है, कोई कंफ्यूजन है, कन्विक्शन की कमी है तो बताएं। किसी का कोई टिप्पणी, किसी का कोई तर्क, किसी का कोई काउंटर, मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे सर मैं ही हमेशा सही नहीं कहता, आप लोग भी तो बताओ। महेंद्र जी बताएं, मनीष जी बताएं, सैफ जी बताएं, राम साजी बताएं, रवि जी बताएं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं यार, किसका किसका नाम लूं? जी सर सही है। लो फिर जी सर सही है। राकेश जी बताएं। सब सही है, क्या बता दे हैं? मैं बोल रहा था सर, मंडे के दिन 5 स्टोन एज बाय करते हैं बोल रहा था सर। अरे सर पहले ऑप्शन को आने दीजिए ना अपने रेट पर। जी जी यानी अपने रेट पे सर 5000-7000 तक के। हाँ स्टोन एज में मेरे को एक ट्रेड में 7-10 हजार रुपए से ज्यादा देना ही नहीं है। नहीं 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 सर, स्टोन एज में केवल परसेंटेज के आधार पर डिसाइड करते हैं या उस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी खोल के देखा जाएगी वो कैसा चल रहा है? ना ना ना, आप इंडेक्स चार्ट देखोगे या फ्यूचर चार्ट देखोगे। Okay. हाँ आपको परसेंटेज, ये तो ऑप्शन का अगर आप चार्ट देखोगे सर वो तो आपको बताएगा ही नहीं, कुछ नहीं बताएगा आपको ऑप्शन का चार्ट। आप हमेशा इंडेक्स या फ्यूचर का चार्ट खोल के देखोगे भाई, मोमेंट तो आपको मनीष जी वहीं पर पता चलेगी ना मेरे मित्र। अब SBI लाइफ है, यहाँ पर आपको सारी मोमेंट मिल रही है, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और SBI लाइफ का जून का भी ऑप्शन का चार्ट खुला ही नहीं होगा, या खुला होगा तो एक कैंडल छोटी सी बनी होगी 2-3 घंटे के चार्ट, तो वहां से तो आप पता ही नहीं पाओगे ना मेरे मित्र। वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किसी का कोई काउंटर, किसी का कोई कंफ्यूजन, कन्विक्शन, टिप्पणी, सलाह, कोई कुछ बताए तो सर। एक चीज ये थी, इसके अंदर जब हम बाय करेंगे तो इनको हम जो सुबह के फेज की मोमेंटम जाने के बाद बाय करेंगे या कैसे करेंगे? इसको हम लोग बाय करेंगे सर 10:30 बजे के बाद, क्योंकि जो 10:30-12 का टाइम है उस टाइम पर देखेंगे इनको। हाँ उस टाइम थोड़ा सा मार्केट सेटल डाउन हो जाता, हो सकता है आपको 1 रुपया महंगा 1 रुपया सस्ता मिले, ऐसी बात हो सकती है उसमें। लेकिन जैसे मैंने रिलायंस आप लोगों को बाई करवाया था 12 बजे के बाद ही बाई करवाया था, है ना? ट्रेंड कन्फर्म कर देगा तब तक वो। ये आपको तब खरीदना है जब ट्रेंड कन्फर्म हो। वीकली ट्रेंड को आप घंटे के ट्रेंड पे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, है ना?
जो मार्केट का वीकली ट्रेंड है, जब 6 दिन ट्रेड होगा, 5 दिन ट्रेड होगा, तब एक कैंडल बनेगी। तो वीकली ट्रेंड को आप घंटे पर नहीं ले सकते। हाँ, जो मार्केट का फर्स्ट वाला घंटा होता है या पहले वाले आधे घंटे 1 घंटे जो होते हैं, वो वोलेटिलिटी खत्म हो जाए, उसके बाद इस पे आप अपनी कॉल टेक कर सकते हो, है ना साहब? कहने का तो जो भी ठीक हाई लो लगाना हो लगा ले लोकेश जी, बात वो चीज है। आपको अपने रेट्स मालूम है, आपको अपना, आपको अपनी स्ट्रेटजी मालूम है, आपको अपना नेगोशिएशन मालूम है, उसी हिसाब से आप चलोगे। तो चले रजिया कितना नाच सकती है। तो एयरटेल तो खरीद ले सर, ए? एयरटेल वाला तो कर ले ले। कल अभी खरीदोगे सर? मार्केट तो बंद है। कल कल कह रहे हाँ हाँ एयरटेल में कल कर सकते हैं। बैंक हाँ हाँ सर, ये के ट्रेडिंग भी आप रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर लगा, वो कौन सा फ्लैट वाला है क्या? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोकेश जी, क्या सर? मेरी तरफ से 50 रुपए इनके पेटीएम में ट्रांसफर करो, नंबर मैं दे रहा हूँ। नहीं सुना ही नहीं दिया सर, ये एक बार फिर से प्रॉब्लम पूछो, दोबारा रिपीट। फिर से पूछो सर आप। लोकेश जी जवाब देंगे। सर ये ट्रेडिंग